जय गुरुदेव। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 232। गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव के भाग 232 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जय गुरुदेव सब लोगों को जो अभी देख रहे हैं। साथ में हमारे हैं एक गुरु भाई धनंजय सिंह राजावत, जिनका वीडियो आपने कल देखा था, उनके मेडिटेशन का वीडियो। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। जो अभी 22 लोग देख रहे हैं उनको मैं पहले संबोधित कर देता हूं। आज मैं भी बड़ा अजीब, तो राजावत भाई जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। आपका एक वीडियो हमने कल देखा, जिसमें आप लाइव मेडिटेशन कर, लाइव क्या मतलब, मेडिटेशन कर रहे हैं, और उस मेडिटेशन में अचानक से कुछ क्षणों के लिए वो कलर चेंज हुए। आपकी जो अपनी अनुभूति रही है, आप कैसे गुरु सियाग योग से जुड़े, गुरु सियाग सिद्ध योग से आपका वास्ता कैसे पड़ा, उसकी एक जो जर्नी रही आपकी, वो अगर आप शेयर करना चाहें तो आप वहां से शुरुआत कर दीजिए। फिर उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी हम बताएंगे कि गुरु सियाग योग क्या है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, शायद आपको भी मालूम हो धनंजय, कि आज हमने ट्विटर पे ट्रेंड किया और नंबर वन ट्रेंड किया, तो उसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ही शुरुआत आपसे करते हैं, आपकी अनुभूति से। आप कैसे जुड़े गुरु सियाग योग से, वो पूरी एक अपनी कहानी बताएं, फिर हम उस क्लिप का, उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप भी दिखाएंगे, और कल जो हुआ आपके साथ ध्यान में, उसके बारे में भी आप सब लोगों को बताइए। अभी 56 लोग देख रहे हैं, रविवार का दिन है, गर्मियां हैं, तो सब अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने अंदाज में आएंगे धीरे धीरे करके। जितने लोग आ चुके हैं उन सबको मैं जय गुरुदेव करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो में। ओवर टू यू। जय गुरुदेव आपको सर और सारे गुरु भाई गुरु बहनों को। तो सर, ये अध्यात्म की जर्नी शुरू होती है 2016 से बोलूंगा सर। मतलब मैं क्यूरियोसिटी मेरे को बचपन से थी, और मेरे को लगता था यार लाइफ क्या है, आत्मा कहते हैं होती भी है नहीं होती, क्या पता नहीं भ्रम है, इल्यूजन है, या क्या पता ये साइकोलॉजिकल कुछ होता होगा, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने कहा ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो 2016 में सर, मेरे कॉलेज ड्यूरेशन में हमारे डायरेक्टर सर थे, तो उन्होंने मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया, मतलब उस लाइफ में मेरे को इंट्रोड्यूस करा मेडिटेशन की, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने गीता पढ़ी, और उसके बाद मैंने और भी यूट्यूब पे, 2017-18 की बात है सर, मैंने मतलब बुरी तरह से यूट्यूब और हर जगह सर्च कर करके जानना चाह कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म क्या है। तो सर मुझे पता चला कि बिना गुरु के अध्यात्म जर्नी नहीं होती, तो मैंने कहा यार गुरु बनाते हैं। तो हमारे एक सर थे फाइनेंस के, तो मैं उनसे बातें करता रहता था, मैं कहता था सर आप मेरे को बुक्स ला के दो, ठीक है आपके जो गुरु हैं उनसे बोलो मुझे अपने पास बुला लें, मुझे उनके पास ले चलो। फिर सर मैं और भी योगिक जो मतलब सेंटर्स थे, मेडिटेशन सेंटर्स, आई वॉज इन गुड़गांव फॉर 3 ईयर्स, तो उस ड्यूरेशन में मैं काफ़ी जगह गया, ब्रह्म कुमारी गया और रविशंकर जी के यहाँ गया, और काफ़ी यूट्यूब पे बैठ के देखता था कि इसे गुरु बना लेता हूँ, इन्हें बना लेता हूँ, पर बने नहीं सर, कुछ हुआ नहीं। फिर सर लास्ट ईयर ये जर्नी शुरू हुई 2020 में सर, मतलब लॉकडाउन, मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा है सर। उसके बाद में सर एक्चुअली गुरुदेव से मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। 2001 में मेरे मम्मी पापा ने गुरुदेव से गुरु दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र लिया था। मम्मी पापा के सिवा मेरे 3 मामा हैं, 3 मामों से औरों ने भी सर गुरु दीक्षा ली, और काफ़ी मेरी फैमिली में बहुत रिलेटिव्स हैं जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो गुरुदेव जी की फ़ोटो सर बचपन से हम तीनों बहन भाई और हम इवन मी टू अपने मंदिर में देखते आ रहे हैं। तो सर गुरुदेव को देख के मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे एक फील आती थी यार कुछ तो है, बट मुझे डर लगता था गुरु गंगाईनाथ से, वो डर अभी भी है और पता नहीं क्यों है, बट ठीक है जो है सर। अब मैं इतना दिमाग नहीं लगाता अपना, उसकी मर्जी है, डराने वाला वो, खत्म करने वाला वो, ठीक है। अब ये मेरा अहंकार है, ईगो है जिसको डर लगती है, तो दिमाग लगाने नहीं सर, जहाँ वो बैठा है वो करे जो करना है उसको। तो सर मैं बताता हूँ कि वो फोटो देख के एक अटैचमेंट थी, एक क्यों लगता था कुछ है, बट मैं हाथ नहीं जोड़ता था, मतलब मैं मेरे मंदिर को साफ कर रहा हूँ, सारी चीजों के तिलक लगा रहा हूँ, सारी चीजों को अच्छे से सजा रहा हूँ,
पर गुरुदेव की फोटो को देख के बस हल्का सा कपड़ा मार के रख देता था। मैंने कहा मम्मा पापा के गुरु में पता नहीं कौन है, कैसे गुरु बना लेते हैं, पता नहीं होता ही नहीं होता क्या है, लेट इट बी, बट एक वो कनेक्शन था। फिर सर पिछले साल मेरे से बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा यार गुरुदेव है ना अपने मम्मा पापा के, उनका बहुत बड़ा मतलब वो है, मतलब है उनमें कुछ। मैंने कहा क्या है उनमें। और उस टाइम लॉकडाउन में सर आपको पता ही है पूरा इंडिया महाभारत और रामायण देख रहा था, मैं भी देख रहा था, तो मुझे बहुत रुचि है सर इन चीजों में कि ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, बोल रहे हैं ये एक्चुअल में होता ही नहीं होता। उसी टाइम सर गुरुदेव आए, और उस टाइम मेरे भाई ने मुझे फोन करा, मध्य प्रदेश में मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे, भैया भी उन्हीं के साथ थे, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड यार रिकी जस्ट गो, और एक वीडियो है गुरुदेव की, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ वो देख और मेडिटेशन करना। मैंने सर कहा ठीक है भेजो, मैं जानता तो था ही, देखी है बचपन से फोटो गुरुदेव जी की, मैंने वीडियो सुनना शुरू करी और देखा वीडियो और गुरु मंत्र लिया, और सर जैसे ही नाम मंत्र जब शुरू करा और योगिक क्रियाएं शुरू, और योगिक क्रियाएं ऐसे सर मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब था। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, ये ऐसे होता भी है या मतलब। फिर मैंने कहा आंखें खोल लेता हूँ, खुद से करके देखता हूँ, नहीं होगा कुछ भी, बट सर मन ही नहीं चल रहा। मैं डरता था यार घर वाले देख लेंगे, पागल घोषित कर देंगे, मतलब मम्मी और तो मतलब कहती हैं सर उन्होंने देखा है फैमिली में इधर उधर सबको कि झटके खाते हैं, ऐसे फ्लक्चुएट होते हैं, पागल हो जाते हैं। तो मुझे भी लगा यार शायद मैं पागल हो रहा हूँ, बट मैंने कहा ठीक है यार अच्छा है, एटलीस्ट कुछ है तभी हो रहा है, और मेरे चाहने से नहीं, क्योंकि मेडिटेशन सर मैं 2016 से कर रहा हूँ, ध्यान लगा, बीच में अनंतनाथ सुनाई देता था वो ईयरबड्स लगा के, और बीच में विजन्स आते थे कुछ कुछ, पता नहीं वो क्या था, पर वो मैं कंट्रोल कर लेता था। इसको मैंने कंट्रोल नहीं करा, मैंने कहा यार जहां मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है वहां कुछ ना कुछ तो है, शक्ति तो है। तो मैंने अपना शुरू करा सर मेडिटेशन, फिर इस ड्यूरेशन में सर मैं आया डिप्रेशन में, ऐसा डिप्रेशन सर आई कांट एक्सप्लेन यू, अभी भी मुझे फील होता है, और वो डिप्रेशन पीरियड मेरे लिए बहुत गंदा था सर, सुसाइडल थॉट्स आना, और आई कांट एक्सप्लेन सर, मतलब वो पीरियड मेरी लाइफ में था भी और अभी भी फील होता है, बहुत पेनफुल, बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा। पर मैंने एक चीज थी सर, नाम जप शुरू नहीं करा था, टू बी ऑनेस्ट नाम जप मुझे नहीं पता था, मैं नाम जप को उल्टा ले गया था, मई 2020 से कर रहा हूँ नाम जप, मैं सोचता था राउंड द क्लॉक, मतलब यहाँ से 12 1 2 तो मैं ऐसे करता था। मैंने कहा यार पता नहीं मूर्खता थी सर मेरी या पता नहीं क्या था सर, खुद को हंसी भी आती है आज तक सोचता हूँ तो, और 2020 से मई से मैं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरा डेली का नियम था 2 बार नहीं, दिन में 1 बार मेडिटेशन करूंगा, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करूंगा, उसे नहीं छोड़ा सर मैंने। कुछ भी हुआ घर में, कोई फंक्शन है, ओकेशन है, कोई भी आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, या कुछ भी होना है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था, जो भी टाइम मिल रहा है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पर टाइम निकाल के सर मैंने पकड़ लिया था। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, कुछ मिले नहीं मिले, अपने को नाम नहीं छोड़ना है। तो सर मैं अप्रैल में भी दुखी हो गया था, फिर मैंने कहा यार अब सहारा कौन है, तो मैं हमेशा सर यूनिवर्स डिवाइन भगवान से कनेक्ट था, फिर मेरी लाइफ में मुझे लगा कि यार अपन गुरु नहीं, गुरु अपने को चुनता है, वही मेरे साथ हुआ है। फिर मेरे साथ सर मतलब मैं डिवाइन और यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट करता था, और उसके बाद मैं गुरुदेव से कनेक्ट करने लगा, फिर मुझे समझ में आया, अभी भी सर कुछ समझ में तो नहीं आता है। फिर मैंने कहा यार मैंने गुरुदेव की वीडियोस बहुत अच्छे से देखी, और बहुत सारी बातें सर मुझे इतनी अच्छी लगी गुरुदेव की, जो मेरा पर्सनल बिलीव था सर स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले कि कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रंग भेद कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग की उपज है। मैंने कहा यार ये कैसा गुरु है जो खुद कह रहा है नए गुरु बना लो, ठीक है दारू की 1 बोतल पीते हो 1.5 बोतल पियो, मैं किसी जाति विशेष धर्म विशेष उससे रिलेट नहीं करता। उसके बाद में ये सर पता नहीं आकर्षण था या ये चीजें रिलेट थी, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ सर, मैं नहीं कह रहा, बट हाँ इन चीजों ने मुझे बहुत कनेक्ट करा। मैंने कहा यार गुरु तो यही होता है, पैसे ले नहीं रहा, ठीक है कोई शो ऑफ कर नहीं रहा, ठीक है गरीब अमीर गांव के शहरों के दुनिया के लोग इसके पास आ रहे हैं, किसी में भेद नहीं कर रहा, ठीक है कोई चकाचौंध 5 स्टार होटल बैंक्वेट और लविश लाइफ नहीं है, ठीक है कोई शोशाबाजी नहीं है, और सबको मंत्र बांट रहा है वो भी फ्री में बांट रहा है,
चाहे तो आज गुरुदेव भी बहुत बड़ा मतलब सर एक लेविश अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, बट मैंने कहा यार अजीब है यार, पता नहीं क्या है ये। फिर मैं इसमें आया, फिर मैंने कहा यार ये कुछ इल्यूजन या ये तो नहीं है गुरुदेव का रचा हुआ है, या ऐसे मेंटल साइकोलॉजी से खेला तो नहीं जा रहा मेरे साथ। फिर अभी सर मैंने मई से नाम जप करना शुरू करा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब ये करते हैं। और सर मैंने नाम जप करना शुरू करा और ऐसी जिद पकड़ी सर नाम जप की कि यानी का कुछ भी हो जाएगा, नाम जप नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट हो रहा था कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है। और कुछ दिनों में मैंने देखा 2-3 दिन में सर उठ रहा हूँ सुबह, शुरू है नाम जप और मैं चुपचाप बैठा हुआ। मैंने कहा ये तो मैं ले रहा हूँ, ये तो मेरा नाम जप है, तो मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं नाम जप क्या होता है, नाम जप, नाम जप तो मतलब यहाँ कोई बैठा है वो लेगा और मैं उसको देखूंगा। मैंने कहा यार क्यों दिमाग लगाऊं, हो रहा है होने देते हैं, लेट इट बी, मत दिमाग लगाओ। फिर गुरुदेव की सर मैं वीडियो देख रहा हूँ डेली, और मेरा था कि गुरुदेव ने कहा था कि आपको 2 बार नियमित नाम लेना है, अब मैं 2 बार ले रहा हूँ। फिर मैंने सर कहा कि यार अब मैं गुरुदेव की शरण में हूँ, मैं डेली सुबह उठूंगा 4 या 5 बजे सूर्य उदय से पहले, खाली पेट मुझे गुरुदेव का जप करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने लगा, 5 तारीख से मैंने नाम जप शुरू करा सर प्रॉपर। 2-3 दिन में फर्स्ट हो गया, रोने भी लग गया। मैंने कहा यार लालच पहले ये था कि इस चीजों से बचना है, अब इस गुरु को ऑप्शन बना लिया, अब इसके पीछे पड़े हुए ऑप्शन बना के इसको, मैंने कहा वो भी ऑप्शन, गुरु भी ऑप्शन, दुनिया ऑप्शन। मैंने कहा यार ये तो मतलब यूज है, गुरुदेव का साक्षात यूज कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा क्या है कि धारणा, काई का समर्पण, ये तो मेरी ईगो और ये मेरा मतलब है जो मुझे लेके आया है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, ना मैं नाम जप करूंगा, ना मैं गुरु को देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और जिद करके बैठ गया सर, पर वो चली नहीं, बैठा हुआ था और अपने आप नाम जप शुरू हो गया सर अपने आप। और इसी नाम जप के बीच में सर ड्यूरेशन आई थी, तब मैं एकदम जेन, एकदम साइलेंट पूरा था, मजा आने लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ तो है, मतलब होली पे शिवरात्रि पे भांग पीता हूँ सर तो उसका नशा पता है कैसा होता है। तो मैंने कहा ये नशा भी है तो नशा, बट ये नशा सर बिल्कुल अलग है, इसमें थॉट्स नहीं है और उस नशे में थॉट्स बहुत होते हैं। मैंने कहा है तो नशा, बट मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, करके देखते हैं। और सर एकदम से अनंतनाथ सुनना शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा है सुन रहे हैं। और ये मेरे साथ पहले भी हुआ था सर, ये अभी बीच में तो मैं ENT डॉक्टर को दिखाने गया था। मैंने कहा सर मेरे एक वाइब्रेशन होती है, पता नहीं क्या सुनाई देता है, पेन तो नहीं हो रहा, बट मैंने कहा आप मुझे दवाई दे दो। तो सर 2-3 दिन दवाई कोई पता नहीं, गुरुदेव भी बोल रहे होंगे या जो भी है कि भाई मूर्ख है, समझाना चाहता था बट मैं ना समझता सर, आज भी ना समझू, आज भी नहीं पता। ठीक है कभी कभी लगता है ये मेरा डर है, मेरा फियर है, मेरी ईगो है जो मुझे यहाँ लेके आई है, बट मैं कहता हूँ यार गुरुदेव के प्रति समर्पण करना है तो कैसे करना है मुझे तो वो भी नहीं पता, समर्पण कराना उसे करा है, इतना ही दिमाग इतनी बुद्धि होती तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाते फिर गुरुदेव की शरण में और भगवान अध्यात्म में क्यों आते। अभी भी इससे पहले एक सेशन था सर, मैं उनके साथ था, मैं उनका नाम भूल गया सर, वो इसके ऊपर कोई बात नहीं, जब नाम याद आ जाए तब बताना। आपका जो मेडिटेशन रहा उसके बारे में आप बताइए। हाँ सर अब मैं बताता हूँ, मैं आपसे कनेक्ट हुआ, मैं आपकी वीडियोस देखता था पिछले साल, और अभी भी एक गुरु सर हैं जिनके बाल काफी लंबे हैं और उनकी वीडियो मेरे भाई ने मुझे बोला यार ये धर्मेंद्र सर है और इनका देख, इनके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू है ये देख। तो आपकी वीडियोस देखता था पिछले साल भी, देखी इस साल भी देखी, आपका नंबर शो हुआ, मैं आपसे कनेक्ट हुआ। फिर अभी कल या परसों, परसों शायद सुबह अपन ने, कल सुबह करा था सर परसों सुबह, तो पता नहीं आई थिंक मेमोरी परसों बहुत किया था, ज्यादा, परसों मेरी तो परसों मेमोरी भी किया। और कान की शक्ति भी धीरे धीरे होती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है सर, तो परसों अपन ने करा था और हुआ ये सर, मैं बैठा और जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप थे और एक और सर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा सर, तो महेश उन्होंने दत्ता कहा जी। था, हाँ जी सर, तो आप कह रहे थे कि नाद सुनो, मंत्र मत सुनो नाद। मेरे को सर उससे एक दिन पहले भी सुनाई दे रहा था, पर वो नाद जैसे ही धीरे होता था मैं मंत्र जप करना शुरू कर देता था। मैं कहता नहीं यार अब धीरे हो रहा है, इसे पकड़ो मंत्र जप करो, ठीक है, और वो और बढ़ जाता था।
फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, और एक और सर हैं सर, अभी उनका आपसे पहले लाइव सेशन हो रहा था, मैं उनका नाम भूल गया, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जी, सर मैं उनका नाम कसम से नहीं जानता, अभी आपसे जस्ट पहले ही उनका सेशन हो रहा था, वो ओके इसके ऊपर, नाद के ऊपर ही बात करते हैं, अनंत नाद और इनके जी ऊपर ही, जी ठीक जी 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 है। तो उनसे भी मैंने अभी क्वेश्चन रेज करा, और सर खुशी इतनी होती है कि घमंड नहीं है और वो नहीं है, और पता नहीं इस मोह में मैं फंसना भी नहीं चाहता। मैंने वहां पे भी लिखा सर नाद सुनाई देता है, इस मोह में मैं फंसना नहीं चाहता, गुरु की इच्छा है। उन्होंने कहा नाद आपने खरीदा नहीं है और ये आपने अर्न किया है, ये पैसा नहीं है, ये मोह नहीं है, क्योंकि ये बाहर की इंद्रिया मोह है, ये मोह नहीं है। सुनते रहो, पूरी जिंदगी सुनते रहो, ठीक है, कुछ नहीं है, बट और इस नाद में सर उतरता हूं ना सर, पता नहीं वो क्या फीलिंग होती है, मतलब वो बहुत अजीब होती है। आज मेरे मन में था कि ठीक है गुरु को नहीं देखना, आपकी एक वीडियो थी और उसमें आप भी बता रहे थे गुरु को नहीं देखना, नाम जप छोड़ दो। मैंने कहा नाम जप छोड़ दो, मतलब यार ये मतलब मैं इनकी सुनूं या गुरुदेव की सुनूं, गुरुदेव ने तो कहा था जपा लग जाएगा, गुरुदेव ने तो कभी नहीं कहा। बट सर ये क्वेश्चन मैं गुरुदेव से पूछता हूँ, मेरे मन से पूछता हूँ, पता नहीं किससे पूछता हूँ, बट सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी डाउट होता है, सुबह या एक दिन पहले आपके रूप में, उन गुरु भाई के रूप में, गुरु सर के रूप में, कहीं से भी आंसर्स आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि यार दैट है, देयर इज समथिंग। तो मुझे उस चीज की खुशी होती है कि यार साक्षात गुरुदेव मेरे को आके आंसर दे रहे हैं, और आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील गुड सर। तो और उस दिन सर मैं जी मेडिटेशन के ड्यूरेशन मैं बताता हूँ, एक सेकंड सर कोई आया है, मैं अलाउड जी है, जरूर जरूर जरूर, आप जाके आइए। आया तो ये गुरु की लीला है, आप सुन रहे हैं और एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं। ये नया साधक है और बहुत जगह भटके हैं गुरु भाई। ये अब इनकी जो जर्नी है, मुझे लगता है वो ट्रैक पे आ गई है। अभी भी मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जैसा इनका मेडिटेशन रहा था वो तो अच्छा ही था। तो अब वापस से अपन गुरु हाँ सुनते हैं। वेलकम बैक गुरु भाई। सॉरी सर, नहीं नहीं एक्चुअली तो सर उस दिन मेडिटेशन कर रहे थे, आपसे कनेक्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा, खुशी भी हुई। फिर सर मेरे को नाद सुनाई देने लगा, और इस चीज का मुझे झूठ नहीं कहता, प्राउड भी आने लगा, मैं स्पेशल जी हूँ, वो वीडियो भी देखी, अरे मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ। पर सर गुरुदेव अहंकार तोड़ने में और अक्कल ठिकाने लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इंसान जी क्या है, मेरी बुद्धि, मेरी ईगो क्या है, वो 2 मिनट लगाते हैं सर, इस चीज की खुशी है। और मुझे ये लगता है यार ये बुद्धि और ये तो मैं कर रहा हूँ, पर जो वो कर रहा है सर उसकी कृपा तो देखो, कि भटकने जी भी नहीं दे रहा है सर, भटकने भी नहीं दे रहा, वरना तो मेरी जिंदगी चली जाए सर, इन्हीं घमंड इसी में लगा रहूंगा मैं तो, ठीक है। उस दिन मेडिटेशन करा सर, तो मैं सोच के बैठा यार आज पहली बार किसी के सामने मेडिटेशन कर रहा हूँ, गया आज तो झटके खाऊंगा, ये होगा पता नहीं क्या होगा, और मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, आंख बंद हुई, आते रहे थॉट, चलता रहा सब। फिर मैंने कहा थॉट आ रहे हैं, मैंने कहा ये तो नाम जप करता था तब तो थॉट ही नहीं आते थे, ये अनंत नाद सुनता हूँ तो इतने थॉट आते हैं, और सर वो थॉट आए, सिर्फ नाद पे ध्यान दिया, सिर्फ नाद पे ध्यान दिया, और देता रहा देता रहा देता रहा, और यहाँ पे ब्राइटनेस हुई सर, वो बहुत ब्राइटर स्पार्क था सर जो मुझे यहाँ फील हो रहा था। मैं यूँ नहीं कहूंगा सर मेरे थॉट्स रुक गए थे, थॉट्स रुक रहे थे बीच बीच में काफी ड्यूरेशन के लिए, फिर सर मुझे भी लगा यहाँ पे मेरे ब्राइटनेस शुरू हुई, और वो लाइट मतलब सर वो फ्लक्चुएट हो रही थी बार बार, वो कॉन्स्टेंट नहीं थी, वो कभी येल्लो थी, कभी ऑरेंज थी, कभी व्हाइट थी, कभी डार्क थी, कभी कुछ नहीं था, कभी गुरुदेव नहीं दिखे, जी ठीक है सर। पर वो जो भी था सर वो मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब वो लाइट चेंज हो रही थी, और लाइट पहले भी दिखी है ऐसा नहीं है, पर उस दिन सर जो वो वेरिएशन था ना परसों यहाँ पे, और मैं इतना मग्न हो गया था सर, इतना मग्न हो गया था, मैंने कहा देखे दुनिया देखने दो, पागल कहेगी कहने दो, जो होगा देखा जाएगा, अपने तो लगे रहो भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, होने दो, दिमाग मत लगा, दिमाग लगाएगा तो तेरा समर्पण नहीं है गुरुदेव को, और मैंने कहा ये भी तेरा मतलब है तो होने दे, जो हो रहा है होने दे, ध्यान दे। फिर यहाँ ध्यान दिया, मतलब इतना ब्राइट, इतना उजाला, फिर मैं उस उजाले में मन में सोच रहा हूँ गुरुदेव दिखेंगे, गुरु से आप दिखेंगे, गंगा नाथ जी दिखेंगे, कुछ नहीं दिखा सर। जहां सोच शुरू होकर खत्म होती है ना सर,
वहां पे ही शायद। गुरु भाई डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ओके हेलो। हाँ गुरु भाई वेलकम बैक। हाँ सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। जी, आप जारी रखिए। हाँ सर, उसके बाद में मुझे वो वीडियो आपने शेयर करी, मुझे लगा इट माइट बी अ ग्लिच, टेक्निकल एरर हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्लिच नहीं होगा, बट सर मैंने देखा तब मेरे को उस ड्यूरेशन में मुझे ये याद है सर कि हाँ उस टाइम के बाद मुझे लाइट तो दिख रही थी, बट सर वो लाइट्स इतना कांस्टेंट चेंज हो रही है। मैंने कहा क्या पता डिम लाइट हो रही हो या लाइट की या कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो, बट सर मैंने एक चीज नोटिस करी उसके बाद कि मेरे को ये भी आया सर कि आपने भी करा हो या क्या पता ये मेरे को भ्रम में डालने के लिए ये सब चल रहा हो, ये थॉट्स आए सर मेरे दिमाग में। ठीक है, या मैंने कहा ये कुछ है कॉन्स्पिरेसी है, ये चल रहा है कुछ ना कुछ, ये हो रहा है टेक्निकल। फिर जी जी ये वीडियो मैंने पापा को दिखाई, पापा ने कहा देख बेटा लिखा हुआ ना विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, विज्ञान में आ गया ना, मत दिमाग लगा कर जो कर रहा है। मैंने कहा यार दैट्स गुड। फिर सर मैंने एक चीज नोटिस करी कि तब भी मेरे, मैंने उस वीडियो में देखा मेरे अंदर योगिक मूवमेंट हो रहे थे, या मेरा एक्सप्रेशन बदल रहा था, या मेरे इमोशंस बदल रहे थे, तो ब्राइटनेस बदल गई थी सर। फिर मैंने जी दिमाग नहीं लगाया, मैंने कहा यार कुछ तो है, जो है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, दिमाग नहीं लगाना कि इसको लगाता जी रहूंगा तो बस। लगा लिया था ना सर जिंदगी भर, क्या करें, अपनी ईगो, अपनी घमंड, अपने अटैचमेंट और अपने दिमाग से ही तो जियो आज तक, अपने मन से ही तो जियो। मैंने कहा जी ठीक है सर, गुरुदेव है जो करना है करने दो भाई, मौत देगा ये देगा, जीवन देगा ये देगा, जो करना है इसको करना है। ठीक है, दुखी पहले भी था, इसके साथ रह लूंगा तो और दुखी हो जाऊंगा। ठीक है, फिर दुखों का नहीं अंत होगा, वापस जन्म ले लेंगे, नहीं मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा मिल जाएगा, मिल जाएगा जो होना है हो जाएगा। तो ये जर्नी रही आपकी अब तक की, अभी वो तक तो ये वीडियो है सर। है। हाँ आप बोलिए बोलिए बोलिए। और सर मतलब ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है, भयंकर पेन हो रहा है, यूं लगता है जैसे पीठ में, पेट में, सर में किसी ने तवा रख दिया हो गर्म, आग का गोला फेंक रखा है, और सर फटता है इतनी बुरी तरह। यहाँ पे आज्ञा चक्र पे लगता है कोई हथौड़ा और वो लेके लगा पड़ा है मारने पे, यहाँ पे लगता है कि बस अब तो गया, पर सर डरता नहीं हूँ। ठीक है, पता नहीं क्या है, समर्पण कह लो, पता नहीं क्या है सर, मुझे नहीं पता, बट मेरे को ये होना है होने दो यार, जो हो रहा है होने दो, अपना काम है सिर्फ नाद सुनना, सिर्फ नाद जी सुन और उसको जी सुनना, चलता पूरे दिन है सर 24 घंटे, पर वो सर 5-10 मिनट जब ध्यान जाता है उस नाद पे, वो सर हिला के रख देता है, चल बहुत अभी भी रहा बढ़िया। है। ये तो अनहद नाद है ना, रुकेगा नहीं जी ये। और जब रुकता है तो बिल्कुल, आप 2-3 मिनट 2-3 बार मंत्र जाप कर लो तो वापस से चालू हो जाता है। ये सच में बहुत अद्भुत विज्ञान है जो मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जिसको समझा नहीं जा सकता, मेडिकल साइंस जिसके सामने फेल है, ऐसा विज्ञान गुरुदेव सियाग ने सन 1990 में प्रकट कर दिया। और उसके बाद 30 जुलाई सन 2009 को जी वो सर, मंत्र भी पब्लिक कर दिया, जिसने ऐसा तहलका मचा रखा है कि अब जितने साधक हैं, करीब जी 2 करोड़ के आसपास गुरुदेव के शिष्य रहे होंगे, साधक रहे होंगे, जिन्होंने ऑनलाइन भी दीक्षा ली, फिजिकली जब गुरुदेव सशरीर थे तब भी दीक्षा ली, और अब उसमें से मेजोरिटी के लोग ध्यान कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पब्लिकली आकर के हमारी तरह ढीठ होकर के बात करते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे गुरुदेव ने दिया है और आपके ऊपर भी असर करेगा। ऐसे कम लोग हैं, आप उनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नए जुड़े हैं और बड़े स्केप्टिकल से साधक कहूंगा मैं आपको, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चिंतन कर लिया है इस साधना के बारे में। इतने की जरूरत नहीं थी, इतने की सच में जरूरत नहीं थी, जितना आपने सोच लिया जी उतना मैंने नहीं सोचा। मेरी जो जर्नी रही है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और मैं भी बड़ा लॉजिकल टाइप का आदमी था, मैं इन सब पाखंडों इन सब चीजों के परे था। और मुझे जब समझ में आया तो एक ही चीज समझ में आई कि ये गुरुदेव जो कह रहे हैं वो हर बात सत्य है। मैंने अपने दिमाग को खुला रख करके उनकी हर बात को सुना, इसलिए नहीं कि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए नहीं कि वो एक गुरु हैं, बल्कि इसलिए कि वो जो बात कह रहे हैं वो हर उस आम आदमी को समझ में आएगी जिसने
जिसके अंदर दिमाग है, क्योंकि वो बात दिमाग वाले को ही समझाने की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, जो जी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, गुरुदेव उनके लिए कहते थे कि ये फोटो ले जा और आड़े में रख देना और सुबह शाम हाथ जोड़ लिया कर, अगरबत्ती कर लिया कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। अब हमारे जैसों को कहते हैं कि नाम जपो, राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करते रहो और 2 टाइम ध्यान करो। तो ऐसे केसेस भी हुए हैं, क्योंकि सारी पावर गुरु के पास होती है। मेरा सौभाग्य सिर्फ इतना सा था कि मुझे एक अच्छे मेंटर मिले, पंकज गोस्वामी सर, जो खुद साइंस पढ़ाते थे, और उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर काफी बात की। और गुरुदेव उनको पहले बुलाया करते थे कि पंकज जी आप आओ और कुंडलिनी विज्ञान के बारे में आप बताओ। तो मेरी ट्रेनिंग उस तरीके से रही, 3-3 घंटे की इनफॉर्मल ट्रेनिंग थी और अनायास ही मुझे गुरु मिल गया। और बाद में मुझे पता चला कि भाई चेला गुरु को नहीं खोजता है, गुरु चेले को खोजता है। तो आप सोचो कि आपने गुरु को खोज लिया, चूंकि आपके वेरी घर पे ट्रू उपलब्ध थे नहीं। आप चाहे उनके आश्रम में जाकर के रह लो तो भी वो नहीं आपके हाथे चढ़ेगा। उसको आपकी इच्छा होगी ना, आपको अपना शिष्य बनाना नहीं होगा चाहिए सर। तो ही वो। तो मेरे लिए जो आश्चर्य की बात थी आपके साथ जो सेशन था ध्यान का, वैसे तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों के अनुरोध पर उनके साथ बातचीत करके हम ध्यान का ऐसा सेशन करते हैं। अब पता नहीं जब जिस दिन आपने वो कमेंट लिखा था कि माँ बाप ने कुछ क्या है कि वो दीक्षा माँ बाप ने ली और बेटे बच्चे जो हैं अब वो उसका फल ले रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट आया था, उस समय मुझे पहली बार आपके बारे में पता चला और मुझे लगा कि इस साधक में कुछ खास चीज है, इसने कुछ कहा है। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, पर आपका जो मैसेज आया उसके बाद बहुत देर तक ये चिंतन चलता रहा और अनायास ही गुरुदेव ने यही प्रेरणा दी कि इसको ध्यान करवा। तो वो ध्यान भी बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कोई कोई प्लैंड ध्यान था, आपने कहा और मैंने कहा ठीक है आ जाओ। वो ध्यान जो वीडियो जो बना वो भी इंटरेस्टिंगली आप सारे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव उस पे लगा लो। मैंने आज तक ऐसा वो ध्यान का वीडियो नहीं देखा। हालांकि एक साधक और है अमेरिका में जिनके साथ मैंने मतलब जो जिनको ध्यान करवाया था वीडियो कॉल पर, वो बहुत पुरानी बात है, 2018-19 की बात होगी। उस समय मुझे वो प्रकाश दिखाई दिया था जब वो ध्यान कर रहे थे, और वो उन्होंने कैमरा जो रखा हुआ था या मोबाइल रखा हुआ था वो दीवार के सामने था, और वो मतलब कैमरे के सामने थे, तो कहीं से कोई लाइट आने का प्रावधान नहीं था उसमें। लेकिन उस पूरे मेडिटेशन के दौरान चूंकि मैं तो मंत्र जाप ही कर रहा था और वो अपना ध्यान और मंत्र जाप कर रहे थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बस। उस ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि 4 बार खूब तेज प्रकाश हुआ, खूब तेज। तो मैंने बाद में उनसे कंफर्म किया कि गुरु भाई आपको ऐसा कुछ लगा क्या कि वो 4 बार आपको ऐसा ऐसा प्रकाश दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा हाँ हुआ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा यार मेरे को ही दिखाई दिया। तो एक तो है कि जो आपके अंदर घटित हो रहा है वो आप ही को दिखाई दे, लेकिन आप अब की बार वो वीडियो में भी कैप्चर हो गया। पिछली बार तो वीडियो नहीं था क्योंकि वो वर्चुअल स्टूडियो अपने पास नहीं था, अब की बार जी वो जी वीडियो में भी कैप्चर हो गया। और मैं जब आप ध्यान कर रहे थे तो मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा था उसको, और एक समय के बाद 5 मिनट या कुछ सेकंड के बाद वो रंग अपने आप चेंज होने शुरू हो गए। तो मुझे लगा या तो कोई मतलब टेक्निकल जैसे जी सर प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि जैसे वो ट्रांसमिशन रहता है वीडियो का जो उसमें कुछ होगा, लेकिन अगर वो ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है तो फिर बाकी सारे वीडियो में क्यों नहीं हो रहा है? जैसे रंग बदरंग हो जाते हैं ना, कलर टीवी के कई बार रंग बदरंग हो और जाते उस थे, टाइम वैसे से टाइम। पहले क्यों नहीं हुआ सर? हाँ, और उस टाइम से पहले क्यों नहीं हुआ? जी तो जी मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने यही कंक्लूड कर लिया कि भाई इस भाई को अब की बार रंग वंग दिखे होंगे, इसलिए आपको मैंने प्राइवेटली वो वीडियो भेजा, आपने उसको 14-15 लोगों को भेज दिया। फिर आपकी उदारता ये है गुरु भाई कि आपने कहा कि ठीक है आप इसको पब्लिकली लगा दो। अब उस वीडियो को नहीं नहीं करते हुए भी मैं आपको बताता हूँ, 812 लोगों ने देखा है, और आज मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को सब लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस एपिसोड को अभी करीब 253 लोग देख रहे हैं, तो उनको भी ये देखने का मौका मिले कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या पागलपन की बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में 2-4 मिनट के लिए आप अगर अनुमति दें तो मैं दिखाना चाहूंगा यहीं पे, ताकि सब लोग देख सकें कि वो जो रंग फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।
कि वीडियो में वो बात कैप्चर हो गई हो, वीडियो में वो बात कभी कैप्चर हुई नहीं। बहुत जी सारे जी लोग जो पुराने साधक है ना, वो ये कहा करते थे कि गुरुदेव एक मनेश्वर नाम के टीटी का जिक्र किया करते थे जो नागौर के थे, उनकी बेटी जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठ जाया करती। तो आज भी अगर हम किसी को ये बात कहते हैं तो वो यकीन नहीं करता, ऑब्वियसली यकीन नहीं करेगा क्योंकि कोई प्रूफ चाहिए। जी और कुछ गुरु भाइयों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने बहुत वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन वो वीडियो में कैप्चर ही नहीं हुआ। भाई अगर कोई फिजिकल बॉडी 1.5 फुट ऊपर उठ रही है तो वो डेफिनेटली वीडियो में कैप्चर होने चाहिए, लेकिन वो जी उस समय वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, वो तो गुरुदेव की लीला है या वो राइट समय नहीं रहा होगा। लेकिन अब की बार आपके वाला जो मामला है, ये अड़ंगा जो है वो कैप्चर हो गया और ये अनायास ही हो गया। तो मैं आप गुरु भाई बहनों जी को वो दिखाना चाहता हूँ और उसी पर्टिकुलर सेक्शन से मैं दिखाना चाहता हूँ जहां पे ये काम हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट 50 सेकंड के आसपास कुछ था, तो मैं एक बार उसको फुल स्क्रीन पे दिखा दूं सबको ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे। और मैं वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन आप तक दिखाऊंगा जहां से मैंने भी ऑब्जर्व किया कि कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं 5 मिनट से शुरू करता हूं, 5 मिनट 10 सेकंड से शुरू करता हूं। अब सब लोग आप देखिए, मुझे उम्मीद है सब लोग देख पा रहे हैं। ये कल का ही सेशन है, परसों का नहीं गुरु भाई। ओके सर जी देखते रहो बस। आई थिंक वो सीन तो इसमें दिख गया कुछ क्षण के लिए, जो लाइट चमक रही थी और दो तीन तरह की लाइट चमकी। बहुत अद्भुत है गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि ये अनायास ही गुरुदेव ने करवाया, इसमें ज्यादा जी सोचने सर की जरूरत नहीं। ठीक है, और नाद सुनाई देना या जी सर अजपा लगना, ये सब कुछ गुरुदेव के हाथ में है, गुरुदेव के हाथ में है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है। तो पहले हम लोग भी ऐसा सोचा करते थे कि यार अपन तो बहुत अलग हो गए, अपने पास एक खास चीज मिल गई, अपन दुनिया से अलग है। लेकिन बाद में पता चला कि हम दुनिया से अलग इसलिए हैं क्योंकि दुनिया हमारे जैसी हो जानी चाहिए, इसलिए गुरुदेव ने हमको ये सब अनुभूतियां करवाई हैं ताकि दुनिया को यकीन आए। तो इस पे घमंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी इसमें आपका अपना कुछ नहीं है, आपका सच में कुछ नहीं है। और जो नाद के ऊपर या और किसी खास योगी क्रिया के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, सब लोग आपको केवल मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि हाँ बहुत विलक्षण अनुभूति है, सब है, अच्छी बात है और है, लेकिन जो सार है इस बात का वो सब लोगों के लिए है, जो समझने की बात है वो सार ये है कि भैया जब सारा कुछ ही गुरुदेव का दिया हुआ है और कुंडलिनी शक्ति द्वारा अपने आप संचालित होता है तो इसमें आपका कुछ है ही नहीं। अगर इसमें आपका कुछ होता तो आप करके देख लो। आप अगर आपके बस में है जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठ जाना तो आप उठ करके देख लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो सब कुछ अपने आप करती हैं, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता भाव में नहीं लेकर के आते। द मोमेंट यू थिंक दैट यू आर द डूअर, आई एम द डूअर, वहीं पे खेल खत्म कर देता है। इस योग में जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतनी तेजी से उसके नीचे गिरने की संभावनाएं भी रहती है। इसलिए हम ज्यादा तेजी से चढ़ते नहीं है और पीछे मुड़ के देखते नहीं, क्योंकि गुरु हमारा हाथ पकड़ के रखता है और वो ही ये सारी की सारी चीज अपने आप करवाता है। इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो कोई घमंड भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु भाई आपको तो पता नहीं क्या ही मिल गया, तो मैं बोलता हूँ मेरे को पता ही नहीं क्या मिल गया, ठीक है, लेकिन जो मिला है वो मैं सबको बता देता हूँ कि मेरे को गुरु मिल गया। और जब तक आप उसके चरणों में बैठे रहोगे, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और योगी गंगाईनाथ जी महाराज, इन दोनों के चरणों में बैठे रहोगे और उधर ही देखते रहोगे, तब तक तो मामला है ठीक। अगर आप सोचो कि ये सोना देने वाली मुर्गी इसका पेट फाड़ लो और सोने के अंडे निकाल लो, तो ये गलती जो करते ना, कई लोग पागल हो चुके उस चक्कर में। और इसमें एक ही शर्त है कि आपका जब तक अहंकार तिरोहित नहीं हो जाता ना, तब तक गुरु प्रकट नहीं होता। तो जब जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, रत्ती भर भी अहंकार बचता है ना, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा वो क्षण भर में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। तो भले आपको नाद सुनाई दे रहा हो, कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल भाव से उसकी आराधना करते रहो। नाद सुनता है तो नाद सुनो, नाद नहीं सुनता है तो मंत्र जपो, बस इससे सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें बहुत अपना लोग अपना ज्ञान लगाने की कोशिश करते हैं कि नाद के 5 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार, अरे क्या अचार डालना है, क्योंकि ये सब आपके प्रारब्ध कर्मवश हो रहा है। या तो वो ये भी बता दे कि आपका प्रारब्ध क्या था जिस वजह से आपको 1 नंबर का नाद सुनाई दे रहा है, 2 नंबर का नाद सुनाई, सब बेवकूफी है। इस गुरु के सामने जितना ज्ञान है, जो तथाकथित ज्ञान हम लिए फिर रहे ना, वो सारा ज्ञान जब तक धराशायी नहीं हो जाएगा, तब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको गुरु दर्शन नहीं देगा। वो रहेगा आपके साथ लेकिन दिखाई नहीं देगा, ऐसी चीज है। तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं गुरु भाई, आप यंग हैं, मुझे मालूम नहीं आपकी उम्र क्या है, बट आप मेरे को 20, 22, 24 साल के लग रहे हो अभी तक। तो अभी बहुत लंबी यात्रा है आपकी। 27 चलो, मैं मतलब ऑलमोस्ट 2 साल करीब ही था, और अभी आपको बहुत लंबे समय तक जी सर ये साधना करनी है। और इसमें साधना में लीन रहने में जो आनंद है ना, वो आनंद आप लेते रहो। और गुरुदेव ने ये बात तो कही है कि जीते जी मोक्ष हो जाएगा, ये जन्म आखिरी जन्म है, दोबारा जन्म नहीं होगा, इसलिए मस्त रहो यार, कोई टेंशन नहीं। सारी टेंशन दिमाग लगाने की चाहता हूँ, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दे सर, यही लगता है सर। पता है थॉट भी आता है ना, तो उसी टाइम एक थॉट आ जाता है, ये तमोगुण है आने दे, ठीक है, रजो है आने दे, राजस है, मैं इनसे अटैच नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरा गुरु है, वो किसी भी फॉर्म में कुछ भी है, बस मुझे उन पे भरोसा है सर। अगर उन्होंने पकड़ा है ना, तो मैं कोई भी नहीं होता, मैं करता कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं उसको पकड़ के रखूं, या मैं अच्छा सोचूंगा बुरा सोचूंगा, मेरा तो ये सर जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वो जो भी करेगा सर अच्छा करेगा। अगर घमंड में पागल भी होऊंगा, उसको तोड़ने वाला भी वो है, उसको बचाने वाला भी वो है, और मेरा ये है सर कि जब भी अहंकार आता है वो टूट जाता है सर। और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि हाँ यार, चलो गुरुदेव की कृपा है, बढ़िया है, तोड़ रहा है, भरोसा है सर, वो मैं आपको होने तो नहीं देगा। मैं आपको अपनी एक अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ, जो कि गुरुदेव से जुड़ने से बहुत पहले की है, और उस समय 1994 की बात होगी। तो उस समय मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं नहीं जानता था कैसे कोई गुरु भी, हालांकि उस समय तक तो गुरुदेव ने दीक्षा देना शुरू कर दिया था, मैं भी बीकानेर का ही। तो क्या हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जयपुर में एमफिल कर रहा था, साउथ एशियन स्टडीज में मैंने अपना थीसिस लिखा। तो मुझे ऐसा घमंड था कि मैं बहुत हैंडसम हूं, आप जैसा दिख रहा हूं, मतलब उसके तो कहीं अब वो कहीं भी उसके आसपास नहीं, ऐसा घमंड आ गया। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि मुझे एक घमंड आ गया, मैंने महसूस किया उस बात को कि हाँ, ये मेरे अंदर का घमंड है, जो मेरे को मतलब मैं अपने आप को थोड़ा अलग करके महसूस करता हूं। तो क्या हुआ, मैं अपनी थीसिस का जो ड्राफ्ट था, सॉरी
एक मिनट, वो अपन ने वीडियो बंद नहीं किया। हाँ, तो मैं उस थीसिस का ड्राफ्ट जो है वो अपने प्रोफेसर को सबमिट करने जा रहा था। शाम का वक्त था, अंधेरा सा हो चुका था, तो एक अंडरपास से गुजरना था मुझे। साइकिल थी मेरे पास और वो अंडरपास में एक मैन होल खुला हुआ था, तो साइकिल का अगला पहिया उसमें गया और मेरा माथा जो है ये वाला वो सीधा उसकी किनारी पे लगा और सारा घमंड नाली में चला गया। 2-1 मिनट तक अनकॉन्शियस जी रहा। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, मोटरसाइकिल पे लाइट वाइट थी, तो वो मुझे फिर मेरे को उठाया, उन्होंने मेरा बैग उठाया, साइकिल उठाई, अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा करके वो मुझे पास के एक क्लिनिक में ले गए। और मेरे दोस्त जिनके साथ मैं रहा करता था, उनका मतलब कोई मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उस समय, एड्रेस पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया अनीता कॉलोनी में रहता हूँ। वहां गए, फिर उनको बुला करके लाए। वो सब जो मेरे मित्र थे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो डॉक्टर वगैरह से जान पहचान थी, वो फिर क्लिनिक से सीधा उठा करके मेरे को सवाई मानसिंह अस्पताल ले गए और मेरे स्टिचेस वगैरह लगवाए। मैंने रियलाइज किया कि अगर आपको ये पता चल जाए कि घमंड है, तो ईश्वर आपका घमंड तोड़ने के लिए भी व्यवस्था कर ही देता है। तो मेरे साथ तो ये दुखद सी बात हुई थी, लेकिन जब से गुरुदेव मिले हैं, जब से गुरुदेव ने मेरा हाथ थामा जी है, तब से जी डेफिनेटली मुझे कोई घमंड नहीं है, और जो था थोड़ा बहुत वो और खत्म हो गया। इसलिए चाहे बाल सारे कटवा करके जी बैठ सर जाओ, चाहे लंबे बाल करके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ है गुरुदेव का है, जो बुलवा रहे हैं वो भी बिल्कुल ट्रू गुरुदेव ही सर। बुलवा रहे हैं। तो आपके सामने एक लंबा जीवन है और सर मुझे बहुत भी ही यही लगता है लंबा कि भविष्य है आपके साथ, जी क्योंकि जी अब आपके साथ गुरुदेव है, आपका हाथ गुरुदेव ने थामा है, और युवा पीढ़ी का हाथ और बच्चों का हाथ वो जल्दी थामते हैं, हमारे जैसे 40 से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं उनका हाथ थोड़ा देर से थामते हैं, ये मैंने नोटिस किया। अब आप कुछ कहिए, कहना चाह रहे थे। जी सर मुझे भी यही लगता है कि ठीक है, गुरु ने मुझे ढूंढा, मेरा सौभाग्य है। भटकना होता तो भटक ही रहा था, और आज जो मिला है उसको रखने वाला भी मैं इतना नहीं हूँ कि मैं उन्हें रख पाऊँ, वो मुझे रख रहे हैं, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है सर। और इस चीज में मैं खुश हूँ सर, कुछ मिले नहीं मिले, कुछ हो नहीं हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो गुरुदेव ने कहा है सर मेरे लिए वो सत्य है, और बस मैं लगा हूँ सर। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, दिमाग नहीं लगाता सर, बस ना जी खुश रहने की चेष्टा करता हूँ ना कुछ सर। अब ठीक है, जो है बेस्ट है सर, गुरुदेव के पे जी भरोसा है सर। और मुझे ये लगता है मेरा मतलब मेरा भरोसा नहीं है, वो गुरुदेव है बस, जो वो भरोसा भी है वो भी वही है। बहुत दिमाग इतनी लगाएंगे बात सर समझ तो में आ लगाती गया। रहेंगे ना फिर। जी, 322 लोग देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये दो पागल क्या बात कर रहे हैं। तो मैं उन सब की जानकारी के लिए बता दूं कि एक जी हमारे गुरु भाई हैं धनंजय सिंह राजावत, जो जयपुर में रहते हैं, और वो अपने अपने आध्यात्मिक अनुभव बता रहे थे, और बहुत ही विलक्षण उनको कुछ अनुभूतियां हुई हैं। तो मैं उनको सिर्फ आगाह कर रहा था कि आप इस पर घमंड मत करना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, केवल शुरुआत है। अभी तो आगे की जो पूरी यात्रा है उसमें आपको विचलित करने के लिए बहुत सारी शक्तियां आएंगी, बहुत सारी शक्तियां जब प्रकट होती हैं तो एक क्षण में बंदा किधर का किधर पहुंच जाता है, और वो सोचता है कि ये गुरुदेव की शक्ति है। तो कुछ लोग तो ये भी दावा करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर से गुरुदेव बोल रहे हैं, मेरे अंदर से गंगाई नाथ जी बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता भैया, और दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलता है। तो वो भी आप थोड़ा सावचेत रहना, ठीक है, और ज्यादा ज्ञान के चक्रों में मत पड़ो। ज्ञान तो अंदर से प्रकट होगा, बाहर वाले ज्ञान से पार नहीं पड़ेगा। तो अब जो बेसिक जानकारी गुरु सियाग योग के बारे में है, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप नए व्यक्ति को गुरु सियाग योग के बारे में अगर बेसिक जानकारी देना चाहोगे तो वो क्या देना चाहोगे? सर मैं गुरु सियाग योग के बारे में यही कहूंगा कि सर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, निस्वार्थ है, बहुत ही ज्यादा सर, मतलब जहाँ आपको अपना बुद्धि, दिमाग, धन, पैसा कुछ नहीं लगाना, मतलब सेवा है सर, एक निस्वार्थ सेवा है, जो सेवा एक्चुअल निस्वार्थ होनी चाहिए और बहुत इफेक्टिव है। और ये है सर, हाँ, समर्पण सर, समर्पण आना बहुत जी जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा इस दीक्षा में आओ, इस चीज में आओ, समर्पण कर दो, एक दिन में हो जाएगा सर जो होना है, या
एक साल में 10 साल में भी नहीं होगा, बस हाँ वो मान लो आप लगे हुए हो, गुरु की छाया आपके साथ है, वो ही बहुत है। पर सर समर्पण क्या होता है वो अब मुझे समझ में आने लगा है। जिस दिन समर्पण होगा ना सर, मैं ये कहूंगा एक सेकंड भी नहीं लगेगा सर, वो अपना शुरू कर देगा प्रभाव। गुरुदेव गुरु जी अपना वो क्या है क्या नहीं है वो सब बता देंगे। समर्पण 10 साल लगा दो, 1 साल लगा दो, 1 सेकंड लगा दो, वो भाव प्रकट होना बहुत जरूरी है सर, और वो भी गुरुदेव ही देते हैं सर, ये भी मुझे समझ में आया है। जी जी क्या होता है कि जब बस मैं मेरा गुरुदेव सर से ये जुड़ा है, समर्पण बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और वो समर्पण भी गुरुदेव स्वयं करवा लेते हैं। जिस प्रकार से, जिस अंदाज में मैं गुरुदेव से जी जुड़ा हूं, वो भी एक अनूठी सी चीज है। उसका एक दो फर्स्ट एपिसोड जो बनाए गए थे, माय एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा, उसमें जाना जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को यह समझ में एक आया सेकंड कि गुरुदेव अपने आप समर्पण करवा लेते। जरूर गुरु भाई, जरूर जरूर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके ठीक है, तो ये गुरु भाई वापस आते हैं, तब तक मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको कि गुरु सियाग योग क्या है। और अधिक जानकारी के लिए आप गुरु सियाग योगा .org वेबसाइट देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत सिंपल सी आराधना की विधि है कि आपको गुरुदेव रामलाल जी सियाग और योगी गंगाईनाथ जी महाराज की जो तस्वीर है वो देखनी है ध्यान से। पहले 1 मिनट के लिए जो तस्वीर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं या कोई दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। और ध्यान के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और 1 मिनट ये तस्वीर देख लीजिए। उसके बाद गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। आंख बंद करके यहाँ फोकस कीजिए और फोकस यही रखिए, और जो संजीवनी मंत्र, 3 शब्द का मंत्र गुरुदेव सियाग ने दिया है, वो मंत्र आप मन ही मन जपना शुरू कर दीजिए। उस मंत्र को के आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है, ओम नमः नमः शिवाय ये सब कुछ नहीं लगाना है। वो मंत्र अपने आप में एक तरह का पासवर्ड है, और वो मंत्र आपको मैं अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अभी गुरुदेव की आवाज में वो मंत्र हम सुनेंगे। उस मंत्र को सुन करके आपको मन ही मन जपना है, आंख बंद करके यहाँ फोकस करके प्रार्थना करनी है। जैसे आप ध्यान करने के लिए बैठोगे, आपके अंदर जो एक ऊर्जा विद्यमान है, जिसको आप बाहर राधा अम्बा दुर्गा काली सरस्वती रुक्मणी जिसके नाम से भी पूछते हो, वो आपके अंदर ही है। सारे भगवान आपके अंदर है, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, क्योंकि वो पूरा ब्रह्मांड लेके आता है अपने साथ, उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है, जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी किनारे पर सुषुप्ति में रहती है, वो जागृत होकर के आपके मन प्राण बुद्धि और शरीर को अपने अधीन कर लेगी और 1 सेकेंड में स्कैन कर लेगी कि क्या रोग है जिसको ठीक करना है। और रोगों पे फोकस इसलिए होता है क्योंकि मोक्ष की पहली शर्त निरोगी काया है। जब तक रोग ठीक नहीं होंगे तब तक मोक्ष की यात्रा चालू नहीं हो सकती, ध्यान नहीं लगेगा। ये बेसिक बेसिक चीज है जो मैं सब लोगों को बताता हूँ और रिपीटेडली बताता हूँ। बहुत गुरु भाई बहन कहते हैं कि गुरु भाई आप थकते नहीं हो गया? तो मैंने कहा मेरा गुरु नहीं थका, मेरा गुरु नहीं थका, ये बात कहते कहते। और यही बेसिक बात है, क्योंकि बाकी का जो काम होना है वो अंदर से होना है। तो जो कुछ ध्यान में आपको ऑटोमेटिक योग हो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवाती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करके जरूर बैठना। अगर आपने ध्यान की प्रार्थना नहीं की तो आपका ध्यान घंटों नहीं खुलेगा और उससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम के ध्यान की प्रार्थना करके बैठो, बस उससे आगे आपकी छुट्टी। गुरुदेव ने कहा है कि अगर मुझे में गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एक दावे के साथ उन्होंने ये कहा है कि परिवर्तन जो मुझ में है वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो वो जो आपको करना है, जो मुझे करना है गुरु भाई, वो सिर्फ सद्भाव से नमस्कार करना है, और बाहर दिखावा करके नहीं करना। वो सद्भाव एक अंदर से भाव उपजता है ना, एक प्रेम उपजता है, बस उसी प्रेम से झुक जाना है। उस प्रेम से झुकते ही पार पड़ जाएगी। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए और फिर आप अपनी बात कहिए गुरु भाई। माइक अनम्यूट। हाँ सर आपने जी बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सही बात बोली सर, कि ये दिखावा करोगे ना सर, करते ही रहना करते ही रहना करते ही रहना सर। मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी कहा हे गुरुदेव मैं कर रहा हूँ ये वो ये वो, फिर मैंने कहा यार मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ, बोल तो अपने आप को भी बहला रहा हूँ अपना मन भी, बट मैंने कहा उसको तो सब पता है ना। और सही बता रहा हूँ बिल्कुल सर, जिस दिन दिल से करा ना वो
अपने आप शुरू हो गया सर। और एक बात मुझे अभी आपने बोली थी कि गुरुदेव की भक्ति, उससे एक चीज याद आई सर, गुरु से गुरु तक जाना ही अध्यात्म है सर, जी बिल्कुल सही। नहीं मेरे हिसाब से सर, मेरी केस में तो। नहीं सबके केस में एक ही चीज है भाई, कोई कोई ऐसा मतलब स्पेशल पर्ची हाँ लेके सर नहीं आया यहाँ, बिल्कुल कोई स्पेशल पर्ची लेके नहीं आया है जी यहाँ। तो आपको जो गुरुदेव ने काम बताया है वो करना है, और परिवर्तन के आने की जो 5 वजहें हैं उसमें से एक वजह ये है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार जो होते हैं वो मायने रखते हैं। तो पूर्व जन्म में आपने कोई घनघोर साधना कर रखी हो, अच्छे कर्म कर रखे हो, तो आपको परिणाम जल्दी मिल जाएगा। लेकिन किसी ने बहुत खरे खोटे कर रखे हो लेकिन वो इस बार जबरदस्त मंत्र जाप कर चालू कर दे और पूरा सरेंडर कर दे तो भी उसको परिणाम मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मतलब जो दिमागी बुद्धि का जो वो है ना फितूर, वो कंक्लूड यही करता है कि यार सारा कुछ गुरु जी के चरणों में सरेंडर कर दो, वहीं मिल जाएगा, अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। तो उससे क्या है कि आप बोझ मुक्त हो जाते हो और असली गुरु वो है जो आपको सारे बंधनों से मुक्त करता है। और जो त्रिविधि ताप शांत करने की बात की है ना गुरुदेव, इसलिए बार बार ये बात कहते थे कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी है, उन्होंने कहा कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक आदि भौतिक आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिसीज। वो क्यों कहते थे? क्योंकि असली गुरु ही त्रिविधि ताप शांत कर सकता है। बाकी के गुरु तो दुकानें अच्छी चला सकते हैं, पैसा अच्छा कमा सकते हैं, बेवकूफ अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, या भटका सकते हैं। असली गुरु जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो शरीर नहीं होता। शरीर तो आने जाने चीज है। गुरु ने कहा है कि जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु ने यह भी कहा है कि आप मेरी तरह हो जाओगे, तो वो एक सर्वव्यापी सत्ता है, वो सब लोगों को सर्वव्यापी सत्ता बना देगा, ठीक है, वो ओमनी प्रेजेंट फोर्स है ना, तभी अपने को ध्यान में दिखता है, तभी अपने को योग करवाता है। वैसी ताकत वो सारे इंसानों में भरना चाहता है, वो इससे बड़ा कम्युनिस्ट को मेरे को नहीं मिला आज तक, कोई नहीं मिला। वो ये चीज कह रहा है कि आप तो जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरु के प्रति रहा है वैसा समर्पण आपका रहेगा तो ही पार पड़ेगी। तो आप समर्पण ना करके क्वेश्चन करना चालू कर दो, अलग दुकानें खोल लो अपनी, तो भैया कोई समर्पण नहीं, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे जी सिंपल अगर कोई आराधना की विधि हो तो मेरे को भी बता देना, मैं भी ट्राई करके देख लूंगा। आपको केवल दो काम करने हैं, गुरुदेव सियाग द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र, उसका मन ही मन 2400 घंटे मंत्र जाप करना है, बिना होठ जीभ हिलाए, खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते, टॉयलेट में हो तो भी जब, महिलाएं 30 के 30 दिन जपो। और दूसरा काम है सुबह और शाम को 15 15 मिनट ध्यान करना, बस उसके अलावा तीसरा काम ही नहीं आपका, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। वो जिसके बस की बात है वो आपके अंदर बैठा है, उसी को उसने कहा कि राम तो घट घट का वासी है, अभी पता पड़ जाएगा कि वो है कि नहीं है, या हम यूं ही बकवास किए जा रहे हैं। तो वो जो दावे के साथ कहता है ना, दावे के साथ कोई दूसरा गुरु कह नहीं सकता है, वो तो पर्चियां फाड़ने में मास्टर हो सकते हैं दूसरे गुरु की, 1121 121 हजार, 1,21,000, लेकिन हमारा गुरु बोलता है ये पैसे से मिलने वाली चीज होती ना तो आज अमेरिका की तिजोरी में होते, राम का नाम नहीं ले सकते थे आप, ये तो भैया फ्री फंड में मिलने वाली चीज है और पैसे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और गुरुदेव के जितने कार्यक्रम हुए वो सब, गुरुदेव का स्पॉन्सर कौन है वो सब दुनिया जानती है, योगी गंगाईनाथ जी महाराज उसके स्पॉन्सर है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि तू जंगल में भी अपने आसन लगा के बैठ जाएगा ना भीड़ आ जाएगी तेरे पास, वो शक्ति योगी गंगाईनाथ जी महाराज की दीवी। तो ये कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है, दिखने में भोला है, दिखने में वो कहते रहे ठीक है यार, ये गुरु है, और इसका कोई मतलब कोई सींग भी नहीं निकले भाई, वो आपके सींग निकाल देगा, इतना गुरु जोरदार है। तो आप गुरु सियाग योग करके देखें और घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो अपने आप समर्पण करवा लेगा और वही त्रिविधि ताप शांत करने वाला है, समर्थ गुरु के बस की बात होती है और किसी के बस की बात नहीं होती। चलिए अब अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहें गुरु भाई, अदरवाइज उसके बाद अपन गुरुदेव की आवाज में वो संजीवनी मंत्र भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ी उनकी स्पीच भी सुनेंगे, कुछ बातें बहुत काम की हैं, आप सब उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गुरु सियाग गुरुदेव सियाग नाम से सर्च करेंगे, सैकड़ों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप ओरिजिनल वीडियोस देखिए, उससे आपको
ये कंफ्यूजन नहीं होगा जो बहुत सारे लोगों को हो जाता है। ओरिजिनल वीडियो को ही ऑथेंटिक मानिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको मत मानिए, कोई और बोल रहा है उसको मत मानिए, क्योंकि हम तो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो जो जो मास्टर है ना उसी को सुनना और किसी को नहीं सुनना। बताइए। जी सर, शुरू करते हैं अपन। जी ध्यान जैसा। नहीं, ध्यान तो अभी नहीं जी सर। करेंगे, पहले अपन गुरुदेव की आवाज में एक वीडियो जो पहले हाँ, अपन वो वीडियो कंटिन्यू कर वीडियो। रहे हैं, जी सर। हाँ वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपन 15 मिनट का ध्यान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी सर। वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिए, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त चीज हुई है गुरु भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज हुई है, ऐसा आज से पहले नहीं हुआ। और इसके पीछे का जो रहा है इतिहास वो भी मैं बताना चाहूंगा, और हमारे गुरु भाई बहनों ने आज जो तहलका मचाया है, जो तहलका मचाया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, बहुत जबरदस्त काम किया है, और मैं उन सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा इमोशनल सा मोमेंट था जो हुआ है ना। तो मैं आपको एक ये जी सर। स्क्रीन दिखाना चाहता हूं, मुझे लगता है दिख जाएगी सबको, फुल स्क्रीन पे ये देखिए। ये आज की तारीख में सुबह का ट्विटर का एक सीन है, जिसमें हमारे गुरु भाई बहनों ने आज ट्वीट का जो जिम्मा लिया था वो था #yoga_automatic। ये #1 पे ट्रेंड कर गया था, 97,800 ट्वीट्स के द्वारा। ये पहला हमको पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गुरुदेव सियाग को लाखों नहीं, अब की बार करोड़ से ऊपर लोगों ने ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सुना। ये पहली बार हम ट्रेंडिंग में आए #1। पिछली बार जो एफर्ट किए गए थे उसमें फेल रहे थे, फेल इन द सेंस एक शुरुआत थी, एक एक्सरसाइज शुरू की थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बहुत प्लान्ड तरीके से गुरु भाई बहनों ने काम शुरू किया। अब एक और स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, वो भी जोरदार है। ये तो 97,000 पे ट्रेंडिंग थी, अब 1 लाख पे जो ट्रेंडिंग हुई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कितने दयालु हो सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि गुरुदेव सच में कितने दयालु हैं, अपने साधकों की वो जरूर सुनते हैं। ये तो 97 वाला ही है, मैं आपको 1,000 वाला दिखाता हूं, वो दिखाना जरूरी है, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और बहुत अच्छा लगा आज, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल थे कुछ गुरु भाई जो जो विचलित थे पहले। ये आप देखिए, ये 1 1 लाख ट्वीट किए गए, अभी 1 लाख ट्वीट कौन कर रहा है, ये सारे गुरुदेव स्वयं करवा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि दूसरा जो ट्रेंड था, ट्रेंडिंग टॉपिक था, वो जय गुरुदेव था, जो कि सिर्फ 6,670 ट्वीट पे ही ट्रेंडिंग में आ गया था। और आई थिंक तीसरा तीसरा और भी था जो ट्रेंडिंग में था, वो मेडिटेशन नाम से आया। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो तीनों ट्वीट्स जो हैं वो आध्यात्म को समर्पित थे आज, और तीनों ट्रेंडिंग टॉपिक्स आध्यात्म को समर्पित रहे। इसके बाद एक और रहा, 104 पे भी किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, 1,04,000 ट्वीट्स पे भी #1 ट्रेंडिंग पे चल रहा था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसको भी देख करके आपको खुशी होगी। तो ये थोड़ी सी खुशी है, यही हमारी कमाई है बस। एक गुरु भाई ने कहा कि भाई यही हमारे गुरुदेव दिखाना चाहते थे कि सब लोग मिलकर के काम करोगे तो डेफिनेटली ये दर्शन, विश्व दर्शन होगा। ये योगा ऑटोमेटिक है, 1,04,000 ट्वीट्स इस पे हैं, ये #1 ट्रेंड कर रहा था। चलिए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इस काम के लिए, बड़ी मेहनत से, लगन से सब लोगों ने मिलकर के ये काम किया। मुझे मालूम नहीं है गुरु भाई आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, लेकिन कुछ गुरु बहनों की मंडली ऐसी थी, नाम तो मैं बिल्कुल उनका नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी गुरु बहनों ने इस बार वो जिम्मेदारी ली कि हम अब की बार देखो, वो जो मातृशक्ति कुंडलिनी है ना, वो जगत जननी है, तो उन्होंने उस जेंडर को चुना, हालांकि कोई आत्मा का जेंडर नहीं है, लेकिन इस बार गुरु बहनों ने बहुत जोर से काम किया,
और जो हमारे गुरु भाई निराश हो रखे थे, आज दुर्गेश भाई को भी मैंने लिखा था कि भाई टाइम मिले तो आना सेशन में, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ व्यस्त हैं। और एक दूसरे गुरु भाई हैं ओम जी यादव, वो कभी पर्दे पे नहीं आते, वो कभी पर्दे पे नहीं आते, वो कहते हैं कि मैं बैकग्राउंड में रह के काम करता हूँ। तो मैंने कहा गुरु भाई तू 2 मिनट के लिए आ जाना, बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं आना चाहता। तो उन गुरु भाई की तरफ से भी ये संदेश आया और बहुत ब्रीफली ये संदेश आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका मैसेज, बहुत भावुक, वो बहुत इमोशनल गुरु भाई है हमारे। मैं कभी मिला नहीं उनसे, मेरी बात ही होती रहती है और चैट ही होती रहती है, कभी मतलब एज सच मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी आज तक। तो वो कहते हैं कि गुरु भाई इस दिन का इंतजार 10 साल से गुरुदेव मुझे करवा रहे थे, और कल शाम को जब मैं ध्यान कर रहा था तो गुरुदेव ने मुझे सेकंड नंबर पे ट्रेंडिंग दिखाया, इस ट्वीट का, इस जो हैशटैग था उसका ट्रेंडिंग सेकंड नंबर पे दिखाया। तो मैंने ऐसे सोचा कि कोई वहम होगा मेरा, लेकिन जब ये काम शुरू हुआ, 7 बजे शुरू होना था सुबह, सब लोगों को 7 बजे, कुछ लोगों ने 7 बजे से पहले चालू कर दिया, चलो जो भी है हुआ। तो थोड़ी देर में जब उन गुरु भाई ने देखा तो वो सेकंड नंबर पे ट्वीट ट्रेंड कर रहा था। तो कहता है कि गुरु भाई मैं तो मतलब मेरा तो गला बैठ गया रोते रोते, 3 घंटे से मैं रो ही रो रहा हूं, इतना प्रेम से भरा हुआ हमारा गुरु, वो आपको आपके जर्रे जर्रे में वही प्रेम भर देगा जिसका दावा जीसस ने किया था कि मैं आपके हृदय के कटोरों को प्रेम से इतना भर दूंगा कि वो छलकने लगेंगे और वो दूसरों तक वितरित होंगे। वो प्रेम है, हमारा गुरु है वही प्रेम। तो बहुत बधाई मैं उन सारे गुरु भाई बहनों को देना चाहता हूँ जो सुबह 7 नहीं वो कई दिनों से लगे हुए थे, और आज शाम को भी 4 बजे एक बार फिर से ट्राई किया गया था उसी हैशटैग को यूज करके करने के लिए, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा, लेकिन सुबह की जो जंग थी वो गुरु भाई बहनों ने जीत ली। नंबर 1 ट्रेंड करना, अब दुनिया के कान चेत जाएंगे, आंखें खुल जाएंगे। ये ट्रेंड, ये ट्वीट्स जो सब लोगों ने किए, मैंने भी मुझे मालूम नहीं कितने किए, लेकिन अंधाधुंध 7 बजे से चालू होकर के 8 साढ़े 8 बजे तक चलता ही रहा, चलता ही रहा। और जब मैंने भी देखा कि सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, और मैं भी बहुत भावुक हो गया कि हमारे गुरु जो है वो सच में बहुत दयालु है और वो करुणा से भरे हुए हैं, वो हम सबकी रक्षा करें, पूरी दुनिया की रक्षा करें, इंसान मात्र की रक्षा करें, यही प्रार्थना है। गुरु भाई आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर ठीक, फिर उसके बाद मैं गुरुदेव का वीडियो आता हूँ देखेंगे। सर, सेकंड मम्मी बोल जरूर सर मम्मी बोला सेकंड में आके आता हूँ, उनका कोविड पॉजिटिव है तो एक बार मैं जाता हूँ सर। जरूर, ओके ठीक है, ओके। तो चलिए तब तक अपन अब गुरुदेव का वो वीडियो देखते हैं जहां अपन ने पिछली बार बात छोड़ी थी, और बहुत जोरदार बात अगले अगले सेक्शन में भी गुरुदेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन 15 मिनट का ध्यान करें। ये आज बहुत अनूठा सा एक अलग तरह का एक सेशन रहा, मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन बस जोरदार है, सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है, और किसी और की हमको जरूरत ही नहीं। चलिए
चलिए अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। बहुत आनंद की स्थिति है, बहुत गुरु भाई बहन जुड़े, बहुत सारे लोगों ने एक साथ ध्यान किया और एक युवा गुरु भाई जिसकी आंखों में अभी भी नशा है वो भी हमारे साथ जुड़े, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सेशन खत्म करने से पहले एक छोटी सी अनुभूति मैं एक गुरु भाई की शेयर करना चाहता हूँ, वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, मैं वो ढूंढता हूँ। कल मुझे वो अनुभूति सुनने को मिली थी, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ, फिर उसके बाद अपन इस सेशन को विराम देंगे। और जो ट्रेंडिंग कर करके लोग थक गए हैं गुरु भाई बहनों, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ओके, ये गुरु भाई की अनुभूति है। भरत सिंह जो बूंदी के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले से सन 2009 से ही गुरुदेव से जुड़ा, अभी 3-4 महीनों पहले गुरु भाई धर्मेंद्र जी से जुड़ा। गुरु भाई धर्मेंद्र जी तो रोज मेरे को व्हाट्सएप पे हौसला अफजाई किया करते थे, फिर एक दिन अचानक मेरे को कान से नाद सुनाई दिया। उसी समय मैंने इनको खुशखबरी देते हुए इस गूंगे के गुड़ वाली कहावत गुरुदेव द्वारा सही होने की बात बताकर इन गुरु भाई के हृदय से साधुवाद और धन्यवाद किया, क्योंकि मेरे को लंबे समय तक कोई क्रिया नहीं हुई थी। फिर दूसरे दिन से ही गुरु भाई धर्मेंद्र जी का व्हाट्सएप बंद हो गया। मैंने कई बार ट्राई किया, इससे दिल को बहुत दुख हुआ। आज भी मैं धर्मेंद्र जी के सेशन दिल से सुनता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे असहाय बेजुबान को तो केवल गुरुदेव की कृपा ही, करुणा के सिवा आप सभी गुरु भाई बहनों के सानिध्य के अलावा कुछ भी नहीं। तो गुरु भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि किसी गलती की वजह से आपका नंबर ब्लॉक हो गया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो अच्छी बात है कि नाद सुनाई दिया भरत भाई को, तो मैं आज उनसे माफी चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से ही वो नंबर ब्लॉक हो गया होगा। और कभी कभी वो जैसे आर्काइव करते हैं तो वो कुछ और ही बटन दब जाता है, मेरा मोबाइल थोड़ा सा पुराना सा हो गया है, तो अगर किसी का कोई नंबर ऐसा हो गया हो, कुछ लोगों को मैंने इंटेंशनली ब्लॉक किया है, उनके लिए मैं कोई माफी नहीं मांगता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो गलती है जो मेरे से बाई चांस हो गई है, तो मैं गुरु भाई से माफी मांगता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि देखो आपके लिए एक और गुरु भाई आज सेशन में आए जिनको भी नाद सुनाई देता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय, बहुत अच्छा लगा। आपके परिवार में फैमिली एक्सीजेंसीज हैं, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और ये सेशन मेरे साथ अटेंड किया, 1.5 घंटा रहे। एक युवा वर्ग के लिए ऐसे आध्यात्म जैसे नीरस विषय में 1.5 घंटे कोई खींच ले, तो एक तो खींचने वाले के ऊपर भी है और जो अंदर से खींच रहा है उसकी ताकत का भी अंदाजा होता है। तो आप भी आपके जैसे युवा वर्ग आगे आए और युवाओं तक गुरु सियाग सिद्धि योग पहुंचे, बस यही प्रार्थना है। और ये सेशन अब हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं कि जैसा गुरुदेव आपने करवाया वैसी आपकी कृपा है। हमारे पीछे जो मॉडरेटर काम करती हैं बैकएंड पे, छोटी सी बच्ची धानी अपनी मां ज्योत्सना के साथ, उसको बहुत शुक्रिया, उसका नाम नहीं लो तो वो नाराज हो जाती है, इसलिए उसका नाम लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज के एनर्जी का फ्लो कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को ये सेशन देख करके ही हो सकता है योगी क्रियाएं होने शुरू हो जाए, आप उसको गुरु कृपा ही समझो, इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से निस्वार्थ रूप से निष्काम भाव से किया जाने वाला गीता का वो कार्य है जिसकी बात गुरुदेव ने भी कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये एपिसोड हम गुरुदेव और दादा चरणों में समर्पित करते हैं। सबको बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।